पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में मौजूद एक कोयला खदान में जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई है। धमाके की वजह का अब तक पता नहीं चल सका है। बचाव और राहत का कार्य जारी है। स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और बचे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। पुलिस मृतकों के परिजनों की भी जानकारी जुटा रही है और उनसे संपर्क कर रही है। हम लोग हम देखा है यहाँ ब्लास्टिंग हुआ है कोयला खदान में। यहाँ जो लेबर लोग है, लेबर लोग यहाँ मर गया है, गुजर गया है, यहाँ ब्लास्टिंग होके मर गया। 8 आदमी मरा हुआ है। अभी कितना है अभी लोग पता नहीं, तो अभी तक स्पॉट में आके हम लोग छानबीन करके देखा है कि 8 आदमी मरा है। ये इलीगल है और यहाँ पर जो विस्फोट हुआ है इसमें 5 से अधिक लोगों का जान गया है और बाकी 3 लोगों का भी इंजुरी होके शिवडी सदर हॉस्पिटल में एडमिटेड है। और इस घटना में हम यहाँ का स्थानीय लोगों से जो हमको पता चला है कि इल्लीगल कलाखनी जो चला रहा है इसमें ओवरलोडिंग चलता है। यहाँ जो डीप होना चाहिए था कलाखनी में उससे ज़्यादा हुआ है और यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। इतना बड़ा ओपन एक कलाखनी चल रहा है। जिस कोयला खदान में ये ब्लास्ट हुआ है वो बीरभूम जिले के लोकपुर थाना क्षेत्र में स्थित है। कंपनी का नाम गंगा रामचक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कोलियरी है, जहां कोयला क्रशिंग के दौरान ये खदान में ब्लास्ट हो गया। इस घटना में कई कर्मचारी भी घायल हुए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले बीरभूम जिले के नलहाटी थाना इलाके में महेश गुड़िया ग्राम स्थित पत्थर खदान में पत्थर तोड़ने के दौरान एक पत्थर खदान में धसान होने से मौके पर काम कर रहे 3 श्रमिकों की मौत हो गई थी।